सभी को नमस्कार। श्रीमती घुमानबाई पन्नालाल बंसाली, राजकीय कन्या महाविद्यालय पाली से, मैं जितेश कुमार जांगिड़, सहायक आचार्य चित्रकला, सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन ई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम बीए द्वितीय वर्ष के चित्रकला विषय के अंतर्गत चित्रकार नारायण श्रीधर बेंद्रे का अध्ययन कर रहे हैं, पूर्व के भाग में हमने नारायण श्रीधर बेंद्रे का परिचय आपको दिया, जिसमें इनकी जन्म, इनकी शिक्षा और इनकी जो कलात्मक उपलब्धियां, उपाधियां और इनकी जीवन यात्रा का हमने अध्ययन किया था। आज के भाग में हम अध्ययन करेंगे बेंद्रे की जो कला है उसका। बेंद्रे की संपूर्ण कला यात्रा के तीन रूप दृष्टिगत होते हैं। पहले में सन 1930 से सन 1945 के मध्य, यानी जो 15 वर्ष का जो काल है, इस समय ये फ्रेंच प्रभाववाद और जर्मन अभिव्यंजनवाद से प्रभावित रहे और इसके प्रभाव से जो चित्रशैली विकसित हुई वो इस काल में आती है। प्रारंभिक समय के चित्रों में वास तथा ग्वास तकनीक में इन्होंने चित्र बनाए और दृश्य चित्र इन्होंने जो बनाए उनमें है बनारस, हरिद्वार, कश्मीर, इंदौर आदि स्थानों पर प्रवास के दौरान निर्मित किए गए जो चित्र हैं वो प्रमुख हैं। इन चित्रों में प्रकृति का रोम रोम व मौन सौंदर्य भी श्वास लेता प्रतीत होता है, जिनमें वातावरण, प्रकाश व रंगों की ताजगी व पकड़ अद्वितीय है। ये तो थे प्रभाववाद और अभिव्यंजनवाद से प्रभावित चित्र या इस समय की चित्र शैली। अब हम बात करते हैं सन 1945 से 1960 के मध्य घनवादी प्रवृत्ति के चित्र की। तो 1945 ईस्वी में शांति निकेतन की यात्रा के दौरान एनएस बेंद्रे की कला में परिवर्तन आया। शांति निकेतन कलकत्ता जो है वहाँ है और इन्होंने टेम्परा पद्धति में रेखांकन का कुशल प्रयोग किया और इस समय के आकारगत तथा रंगों के विविध प्रयोगों से इनके चित्रों में घनवादी प्रवृत्ति विकसित हुई। यह प्रयोग मानव आकृतियों व स्टिल लाइफ में प्रमुख रूप से हुआ। इन्होंने मनुष्य चित्रण किया और जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनको भी चित्रित किया। इस समय के आकार जो है वो सरल है, स्पष्ट रूप लिए है, रंगों के नवीन समीकरण है और इसके साथ ही सुविचारित सौंदर्य योजना तथा रोमांटिक अनुभूति अद्भुत है। ये तो है घनवादी प्रवृत्ति का काल। आगे जो तीसरा जो इनकी जो कला यात्रा का जो बिंदु है वो है सन 1960 से 1966 ईस्वी के अमूर्त अभिव्यंजनवादी प्रवृत्ति युक्त चित्र जो इस समय इन्होंने निर्मित किए 6 सालों में। तो अमूर्त अभिव्यंजनवादी शैली से प्रभावित होकर इन्होंने इस समय चित्र बनाए और यह प्रवृत्ति जो है बेंद्रे ज़्यादा विकसित नहीं कर पाए, क्योंकि इसके लिए रंग और डिजाइन के चमत्कार की परम आवश्यकता होती है और एनएस बेंद्रे तकनीकी औपचारिकता में विश्वास नहीं करते थे। सन 1966 ईस्वी में बड़ौदा से त्याग पत्र देकर ये मुंबई में स्थायी रूप से सृजन व निवास करने लगे, मतलब ये एक स्वतंत्र चित्रकार के रूप में कार्य करने लगे थे। इस समय इनकी शैली और तकनीक उत्तरोत्तर विकसित होती गई और जिसे किसी वाद में शामिल नहीं किया। आगे हम अध्ययन करेंगे नारायण श्रीधर बेंद्रे की स्वयं की भी एक शैली, जिसको हम बेंद्रे शैली कहते हैं,
उसका इस समय इन्होंने बाद में विकास कर लिया था, जो 1966 के बाद में किया था। मतलब इन्होंने विभिन्न कालों में जो कला अनुभव प्राप्त किए थे, उनसे वो प्रभावित हुए थे, तो उन्होंने चित्र भी बनाए अलग अलग शैलियों में, और बाद में इन्होंने किसी भी शैली का अनुसरण नहीं किया और स्वयं की एक शैली जो इन्होंने विकसित की थी। अब हम बात करेंगे, अगला बिंदु है प्रेरणा व प्रभाव। जो बेंद्रे एनएस बेंद्रे है, उनकी कला पर मुख्यतः मुगल, राजपूत, बंगाली इत्यादि शैलियों का प्रभाव पड़ा। इसके साथ ही फ्रेंच कलाकारों में सेजान, मातिस, गोंगवे तथा 1947 ईस्वी में विभिन्न देशों की यात्रा के दौरान विषय व तकनीक में इनकी गहरा प्रभाव पड़ा। मतलब इन्होंने कुछ चित्रकारों से प्रेरणा ली और उनका प्रभाव, उनकी कला का प्रभाव इनकी कला पर पड़ा। इसके साथ ही मुगल, राजपूत, बंगाली जो शैलियाँ हैं उनसे भी ये प्रभावित हुए, वहाँ की कला का प्रभाव इनके ऊपर पड़ा। और इसके साथ ही जो है विभिन्न देशों की यात्रा इन्होंने की थी, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था, और वहाँ की जो विषय है और तकनीक है उनका भी इसके ऊपर, इनके ऊपर प्रभाव पड़ा। अब हम बात करते हैं माध्यम व विषय की। ये थोड़ा सा इसमें गलती से वर्ग लिखा गया है, ये है वर्ग न होकर ये केवल व रहेगा, माध्यम व विषय। माध्यम के रूप में इन्होंने जल रंग, तेल रंग, पेस्टल रंग, पेन और स्याही प्रमुख रूप से अपनाए। मतलब ये जो माध्यम है इन्हें में इन्होंने कला कार्य किया। नारायण श्रीधर बेंद्रे के चित्रों में भारतीय जनजीवन, उसके क्रियाकलापों तथा प्राकृतिक सुषमा का आशावादी रूप मुखरित होता है। इन्होंने मानव आकृतियाँ, स्टिल लाइफ के साथ साथ ग्रामीण नारी को रूप सौंदर्य, जो ग्रामीण नारी का जो रूप सौंदर्य है वो आकर्षक रंगों से व्यक्त किया। नारी के रूप सौंदर्य के ऊपर हम आगे भी चर्चा करेंगे। ये तो है इनके माध्यम और विषय। विषय में कुछ विषय जो मैंने आपको बताए उन्हीं के अंतर्गत इन्होंने कला कार्य किया था। अब हम बात करते हैं कलागत विवेचन की। कलागत विवेचन के अंतर्गत जो है ग्रामीण परिवेश की नारी जो है इनके रूप चित्रण के केंद्र में है। इन्होंने नारी को अपने चित्रण का केंद्र बिंदु बनाया था और नारी के सहज सौंदर्य को ही उन्होंने आकर्षक रंगों में उभारा है और वे सजावट के जरिए रूप का विवरण नहीं देते, किंतु हरे, पीले, लाल, बैंगनी तथा भूरे रंगों के सपाट उपयोग से ही चित्रों में अपूर्व आकर्षण की सृष्टि करते थे। ये जो प्रमुख रंग है हरा, पीला, लाल, बैंगनी, भूरा, इन रंगों का ये प्रयोग करते थे। साथ ही इनकी जो तेल रंग पद्धति है, जो जल रंग की टेम्परा पद्धति के करीब मानी जाती है और इसकी टेक्सचर्स की रंगत पाकर सहज ही कैनवास पर जीवंत हो उठती है। बेंद्रे के कितने ही चित्र उनके सहज रूप चित्रण के कारण जनगण में लोकप्रिय हुए हैं। उन्होंने जो चित्रण का कार्य किया है वो जो ग्रामीण परिवेश की नारी है, जो ग्रामीण परिवेश है वो प्रमुखतया उन्होंने अपने जो चित्र है उनको उसमें स्थान दिया है, ग्रामीण परिवेश को। और नारायण श्रीधर बेंद्रे को सदैव ही जो चटक रंग है वो प्रिय रहे हैं और इन्होंने कैनवास पर वे अधिकतर चटक रंगों को लेकर ही नए नए प्रयोग करते रहे हैं। विभिन्न कालों में उनकी शैली भी जो है
वो बदलती रही है। जैसे कि मैंने पूर्व में बताया था, विभिन्न जो काल आए थे, अभिव्यंजनावादी जो है, घनवादी, प्रभाववादी, ये जो प्रभाव इनकी कला पे भी पड़ा था, तो उनके अनुसार उनकी शैली भी जो है बदलती रही है। उनके अधिकांश चित्र आकृति मूलक है और मूर्त की चरम सीमा पर पहुँच कर वे अमूर्त तथा अपरूप की ओर मुड़े। मतलब इन्होंने प्रारंभ में तो जो है जो वास्तविक जो यथार्थ चित्रण है वो किया था, बाद में वो अमूर्त की तरफ मुड़ गए थे। मतलब चित्रों में यथार्थ रूपाकृतियों को जो है महत्व नहीं दिया, बल्कि उसके साथ साथ जो है अमूर्त का चित्रण भी किया। रूपवादी यथार्थिक शैली का उन्होंने पूर्ण रूप से कभी नहीं छोड़ा और नारी श्रृंगार के विविध पहलुओं पर इन्होंने अनेक चित्र बनाए। जैसा कि मैंने बताया था कि ये नारी के ऊपर जो है बहुत से चित्र बनाते थे, जो ग्रामीण परिवेश में है और नारी को ही इन्होंने केंद्र में रखा। नारी श्रृंगार के ऊपर इन्होंने चित्रण का कार्य किया था। आगे हम अध्ययन करेंगे कलागत विवेचन के अंदर ही जो है बेंद्रे की जो शैली है उसका। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।